हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में अशोक गहलोत ने खोला राहत का पिटारा। प्रदेश में अब 50 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में राजस्थान के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। अशोक गहलोत ने बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब 50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। इस पर 4,000 करोड़ का खर्च होगा। इसके साथ ही बजट में सीएम गहलोत ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास फोकस किया है। दोनों क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में सीकर के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिला अस्पताल में 100 बेड का अतिरिक्त ब्लॉक बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पाटोदा में CHC की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में लाभ की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में लाभ की सीमा 10 लाख की गई है। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी 50 करोड़ की लागत से खुलेगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ राशि से बनेगी सड़कें। ये राशि 5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की गई है। जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 60,600 करोड़ से अधिक की जल परियोजनाएं स्वीकृत। हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे। 10 से ज्यादा नए पुलिस थाने खुलेंगे। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनेंगी। पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30,000 होंगे। 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय और 1,000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। कोरोना काल में शिक्षा में हुए नुकसान के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह का ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।